दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी खास है जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में या जिसको बोलते हैं पित्त से या पित्त की थैली में पथरी बन गई है या स्टोन बन गया है। उसके साथ साथ उनको लीवर से संबंधित कुछ न कुछ उनको प्रॉब्लम है। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम यानी उनको फैटी लीवर हो सकता है, उनको लीवर सिरोसिस हो सकता है, उनको जॉन्डिस हो सकता है, या उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, या उनको पेट में उनको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनको पेट में गैस बनना, फ्लैटुलेंस जिसको बोलते हैं, पेट में भारीपन रहना। इसके साथ उनके जुबान का जो टेस्ट होता है, टेस्ट में कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है, या इवन मैं कहूंगा दोस्तों उनको जो हिपेटोमिगेली या जो लीवर होता है वो एनलार्ज हो जाता है। उसके साथ साथ कई दफा अगर कुछ पेशेंट जिन लोगों को अगर लीवर कैंसर भी हो गया है तो उस उन जो पेशेंट्स है उसमें भी यह जो मेडिसिन उसके बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यानी लीवर से संबंधित कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो आपको, वहां पर यह मेडिसिन एक चमत्कारिक औषधि की तरह काम करती है दोस्तों। उसके साथ साथ गॉलब्लैडर स्टोन के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही असरदार मेडिसिन होती है। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा बेसिकली इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन, एक पेटेंटेड मेडिसिन के बारे में, जो कि जर्मनी की डॉक्टर रेगवेक, जो कि जर्मन की बहुत ही जानी मानी कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों R7। दोस्तों यह क्योंकि यह लीवर और गॉलब्लैडर पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इस ड्रॉप का नाम है लीवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप नाम से ही जानी जाती है। दोस्तों R7 जो है वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली आपके पेट से संबंधित या आपके लीवर से संबंधित या गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई तरह के विकार के लिए। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा R7 के बारे में, पर्टिकुलर R7 के कंपोजिशन के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि इसको बेस्ट होम्योपैथी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके साथ साथ ही R7 को किस तरह से लेना है आपको, उसके साथ साथ क्या MRP है, क्या इसका पैकिंग अवेलेबल है और ये आपको कहाँ मिलेगी, इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो जैसा कि मैंने आपको जो भी ऊपर सिम्टम बताए वो, या आपके गॉलब्लैडर में पथरी हो, आपके परिवार में या आपको किसी न किसी को आपको ये समस्या जो होती है वो कॉमनली देखने को मिल जाती है। क्योंकि आज का जो हमारा खान पान है, हम लोग बहुत ज़्यादा तला हुआ या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, या उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हम लोग नॉनवेज अगर लेते हैं, या हम लोग अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से लीवर में कुछ ना कुछ आपको विकार आ जाता है, आपको हेपेटाइटिस, जॉइंटिस या फैटी लीवर, या आपको गॉलब्लैडर में स्टोन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में R7 काफ़ी इफेक्टिव एक मेडिसिन की तरह काम करती है। दोस्तों मेरी जानकारी में R7 को मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूँ लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई भी तरह के विकार के लिए। दोस्तों हमारा जो लीवर होता है एक वाइटल ऑर्गन है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे आपको ये डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको एंजाइम बनाता है, फैट के डाइजेशन के लिए बाइल सिक्रिएट करता है, जो कि आपके जो भी आप फैट खाते हैं, तलावा खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। और उसके बाइल के जो कलेक्शन के लिए गॉल ब्लैडर होता है जो कि लीवर के नीचे स्थित होता है। लेकिन दोस्तों कई दफा कुछ बॉडी में हमारे कुछ बदलाव आते हैं, या हमारे सेडेंटरी लाइफ है, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तलाव बहुत ज़्यादा खाते हैं, या और भी किसी कारण से हमारे गॉलब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, या लीवर में फैटी लीवर हो जाता है, या और भी कोई तरह का लीवर सिरोसिस या और भी कोई तरह की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हमारा लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए बनी हुई है R7। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर R7 के क्या क्या कंपोजिशन, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों जो R7 है उसके अंदर जो मेडिसिन है जो कि देखने को मिलेगी वो है, सबसे पहली मेडिसिन की मैं बात करूँ तो कार्डस। दोस्तों कार्डस जो होती है वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको जॉन्डिस हो गया है, या आपको फैटी लीवर है, या आपको जो आम भाषा में अगर हम बोले कि लीवर एनलार्ज हो गया है, हेपेटोमेगेली हो गया है, उस कंडीशन में इवन आपके गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन बन गया है, लीवर कैंसर हो गया है, इन सभी कंडीशन के लिए कार्डस बहुत अच्छा काम करती है, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम। दोस्तों चेलिडोनियम भी लीवर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। लीवर से संबंधित कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको इनडाइजेशन हो रहा है, चाहे आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, आपको गॉलब्लैडर में स्टोन बन गया है, आपको जॉन्डिस की शिकायत होगी, यानी आप पीलिया से ग्रसित हो गए हैं, बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन के लिए चेलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है इसके अंदर चाइना। जो चाइना है वो आपको आपके पेट में अगर बहुत ज्यादा गैस बनती है, इंडाइजेशन की अगर आपको शिकायत रहती है, तो वहाँ पे चाइना बहुत अच्छा काम करती है, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक और जो मेडिसिन है जो कि इसके अंदर आपको मिलेगी वो है कोलेस्टेरिनम। दोस्तों कोलेस्टेरिनम अगर गॉल ब्लैडर में अगर आपको स्टोन बन जाता है तो गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिजोल्व करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है कोलेस्टेरिनम। इसके साथ साथ अगर आपको फैटी लीवर है, या आपको अगर लीवर कैंसर भी है, तो उसमें भी कोलेस्टेरिनम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जो कि इसके अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो इसके अंदर है, वो है कोलोसिंथ।
दोस्तों कोलोसिंथ अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या अगर आपको राइट साइड में अगर ऊपर की तरफ आपको पेट में दर्द रहता है, जो कि हो सकता है आपको लीवर में अगर फैटी लीवर हो गया उसकी वजह से है, या आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया तो उसकी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में कोलोसिंथ बहुत अच्छा काम करती है, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी आपको इनडाइजेशन की अगर शिकायत है, आपको अगर आपको फैटी लीवर है, या आपको बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है, या आपको आपको सिरोसिस की अगर कंडीशन आ गई है, तो वहाँ पर भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों जो कि है लाइकोपोडियम, जो कि इसके अंदर आपको मिलेगी कॉम्बिनेशन में। लाइकोपोडियम दोस्तों अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपको इंडाइजेशन रहता है, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। साथ साथ अगर आपके मुंह का टेस्ट अगर खराब हो जाता है, बिटर टेस्ट होता है अगर आपके मुंह में, वैसी कंडीशन में भी लाइकोपोडियम दी जा सकती है, जो कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये होगी इसके कॉम्बिनेशन की बात। ये सारी मेडिसिन जो होती है जो कि आपके लीवर और गॉलब्लैडर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, वो इसके अंदर कॉम्बिनेशन में R7 में आपको देखने को मिल जाएगी। यह सब कॉम्बिनेशन मिलकर ही इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, स्पेशली फॉर लीवर एंड गॉलब्लैडर्स। दोस्तों इसीलिए इसको लीवर एंड गॉलब्लैडर ड्रॉप नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ ही और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर, आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन उसके आधार पर हम देते हैं अगर R7 के साथ में। जैसे मान लीजिए अगर आपको सिरोसिस है, तो सिरोसिस को देखते हुए आपको कुछ और मेडिसिन है जो होम्योपैथी की, वो आपको दी जाती है। उसके साथ साथ अगर आपको फैटी लीवर है, तो इस कॉम्बिनेशन साथ में और भी कुछ मेडिसिन है, या आपको गॉलब्लैडर में स्टोन बन गया, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ में और कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं, तो उसके और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, हमेशा अपने पास में नजदीकी होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं, आप उनसे संपर्क करके आप लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको ज्यादा उसके एडवांटेज देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या पैकिंग अवेलेबल है, उसकी MRP क्या है, और उसको लेने का तरीका क्या है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको लेना किस तरह से, इसको लेने का बड़ा ही आसान तरीका होता है। आपको एक खाली कप लेना होता है, खाली कप के अंदर दोस्तों 15 बूंद R7 ड्रॉप की आप डालें, उसके बाद उसमें आधा कप गुनगुना पानी डालें, उसको आप फिर धीरे धीरे आपको सिप बाय सिप आपको पीना होता है। इसी तरह से आपको दिन में 3 बार लेनी होती है, सुबह, दोपहर और शाम, यह इसको लेने का तरीका हो गया। दोस्तों अब हम बात करें अगर इसकी MRP और इसकी पैकिंग की, तो इसकी जो पैकिंग है वो 22 ml की पैकिंग में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, और इसकी जो MRP है वो 250 rupees MRP में आपको ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। और आपके नज़दीकी कोई भी अच्छे होम्योपैथी स्टोर पे आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको R7 जो है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों यह बात होगी R7 के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की, कि R7 का कंपोजिशन क्या है जो इसको बेस्ट होम्योपैथी कंपोजिशन बनाता है, स्पेशली फॉर लीवर एंड गॉल ब्लैडर, और उसके साथ साथ इसको किस तरह से लेना है, और उसको MRP क्या है, और इसके क्या पैकिंग अवेलेबल है। दोस्तों इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है जो कि R7 के साथ दी जाती है आपके कंप्लेन को देखते हुए, इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लें, हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो जानकारी शेयर की है आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।